जो मैं कर रहा हूं वो करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। भाई जैसे पता चला तू आया तो देख मैं खुद तेरे स्वागत। टाइगर के लिए फेवरेट टाइम ऑफ द ईयर कौन सा है? क्या इस महीने टाइगर सभी फिल्म्स को टक्कर दे पाएंगे? काफी डिफिकल्ट होता है जब टक्कर देने की बात आती है। अब टाइगर के साथ भी वही होने वाला है क्योंकि इस महीने अप्रैल में टाइगर की हीरोपंती 2 के साथ साथ कई सारी फिल्में आ रही है। सभी जबरदस्त एक्टर्स की फिल्में होने वाली है, उसमें से कोई कोई तो काफी टाइम बाद नजर आने वाले हैं। अब इनके सामने टाइगर टक्कर दे पाएंगे या नहीं वो तो फिल्म के रिलीज होने पर ही पता चलने वाला है। तो देखते हैं आगे रिलीज होने के पहले क्या फैंस को खुश कर पा रहे हैं ये लोग या नहीं। तो दोस्तों बॉलीग्राड स्टूडियोज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक अपकमिंग फिल्म हीरोपंती 2 के बारे में, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अब इस महीने हीरोपंती 2 और रनवे 34 तो क्लैश होने ही वाली है 29 अप्रैल को, जिसमें अमिताभ बच्चन, रकुल प्रीत और अजय देवगन लीड में है। और बता दे अजय ही प्रोड्यूस और डायरेक्ट कर रहे हैं इस फिल्म को। और हीरोपंती 2 तो फर्स्ट हीरोपंती का सीक्वल होने वाला है, बट इस बार कृति की जगह तारा सुतारिया नजर आने वाली है। अब फर्स्ट फिल्म ने कुछ खास मजा नहीं दिलाया है ऑडियंस को, बट ये पार्ट के लिए मेकर्स बहुत प्रमोशंस कर रहे हैं और इंटरेस्टिंग बनाने का ट्राई कर रहे हैं, बट स्टिल ऑडियंस से मिक्स्ड रिव्यूज मिलने वाले हैं और मिलना शुरू हो चुके हैं। जैसे कि हमने कहा बहुत फिल्में आ रही है, तो उसमें से फर्स्ट फिल्म है जॉन अब्राहम की जिसका नाम है अटैक, जो 1 अप्रैल को रिलीज होने वाली है, जिसका जॉनर काफी यूनिक और इंटरेस्टिंग है। एक फिक्शनल फिल्म है ये और फुल ऑन एक्शन से भरपूर होने वाली है। अब जॉन अब्राहम काफी समय बाद आ रहे हैं, तो सॉर्ट ऑफ कमबैक ही हुआ ये उनका। अब दूसरी फिल्म है यश की KGF जिसका पार्ट 2 आने वाला है। ये इस साल और इस महीने की मोस्ट एंटिसिपेटेड फिल्म है, जिसके दोनों पार्ट्स को काफी अच्छा रिस्पांस मिला है। तीसरी फिल्म है जर्सी, जो शाहिद कपूर की होने वाली है, जिसकी स्टोरी बेस्ड है एक फेल्ड क्रिकेटर पर जो उनके 30s में फिर से कमबैक करने का सोचते हैं। शाहिद का क्रेज ऑडियंस के बीच कबीर सिंह के बाद से बहुत बढ़ चुका है। अब सभी फिल्में अप्रैल रिलीज है और तो ये मानना पड़ेगा कि हीरोपंती 2 इन सभी के सामने बहुत छोटी लग रही है। बट एक्ट्रेस की एक्टिंग में भी काफी बदलाव है और ईद पर रिलीज करने का सोच रहे हैं, तो देखते हैं ईद रिलीज क्या मैजिक करती है इस फिल्म पर इस बार। और बता दें कि इसमें नवाजुद्दीन भी लीड में है, तब देखते हैं क्या क्या होगा इस फिल्म में। तब तक के लिए देखते रहिए बॉलीग्राड स्टूडियोज। आज के हमारे वीडियो कैसी लगी हमें कॉमेंट में जरूर बताएं एंड लाइक शेयर भी करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम फिर लौटेंगे एक नई अपडेट के साथ। थैंक यू।